नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दें कि अब आपकी जीवन काल में हर एक बुराइयों की, हर एक संकट की, हर एक परेशानी की, जो कि आपके जीवन काल में लगातार कई समयों से चलते आ रहे हैं, जिन परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आपने कई सारे प्रयास किए, लेकिन दोस्तों अभी तक आप उन परेशानियों से मुक्ति नहीं पाए थे। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी को बता दें कि अब आपकी उन परेशानियों की, उन दिक्कतों की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। और दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में वह खुशियाँ आएंगी कि दोस्तों आप अपनी आंखों पर यकीन तो नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों जब यह बातें सच होंगे तो दोस्तों यकीन मानिए, मन ही मन आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, यह आप किसी से जता भी नहीं पाएंगे कि दोस्तों ये आंसू आपकी मेहनत का फल है। जो पिछले समय आपने मेहनत किया है दोस्तों, उनका ही परिणाम यश में भगवान श्री राम देने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान श्री राम के आशीर्वाद से आने वाले दो दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं में से भगवान श्री राम एक ऐसे देवता है जो कि अपने भक्तों के जीवन काल में हमेशा एक न एक नए चमत्कार करते रहते हैं। जी दोस्तों, अगर आप सत्य की राह पर चलते हैं, अगर आप बुराई नहीं करते हैं जी दोस्तों, तो यकीन कीजिए भगवान श्री राम आप सभी के जीवन काल में नज़र जरूर रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, भले ही देर होती है, लेकिन दोस्तों अगर आपके कर्मों के फल बड़े हैं तो दोस्तों आपको थोड़ा सा प्रतीक्षा करवाते हैं। और दोस्तों, यश में भगवान श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है बहुत ही लाभकारी स्थितियों को दर्शा रही है। जी दोस्तों, आने वाले दो दिनों के अंदर धन लक्ष्मी योग के निर्माण होने वाले हैं और साथ ही गज केसरी नाम का शुभ योग का भी निर्माण होगा, जो कि दोस्तों लाभ के भाव को दर्शाते हैं। और दोस्तों, इन दो दिनों में लाभ के नए नए मौके खुलने वाले हैं। आप सभी के जीवन काल में परेशानियां भी इनसे खत्म होंगी। जी दोस्तों, और दोस्तों इन सभी के लिए आपको अपने जीवन काल में अब कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोस्तों आप पिछले समय से जानते हैं कि किस प्रकार आप मेहनत कर रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग जो आपसे जलते थे, जो आपको अच्छा नहीं देखना चाहते थे, और दोस्तों उन्हीं के कारण आपके जीवन काल में लगातार परेशानियां आती रहती हैं। अगर आपको कोई सफलता मिल गई हो तो दोस्तों आप देखे होंगे कि जब भी आप सफलता की ढिंढोरा बाहर होता है तो दोस्तों कोई ना कोई मुसीबत आपके जीवन काल में अवश्य आती है, और वह शुभ समाचार, वह खुशखबरी आपके जीवन काल में संकट साबित हो जाता है। तो दोस्तों, यश में आपको कुछ ऐसी विशेष सावधानियां बताएंगे जिन्हें आपको रखने की अत्यंत आवश्यकता होगी, तभी दोस्तों ये सभी चीज़ आप सभी के जीवन काल में लाभकारी साबित होंगी। तो दोस्तों, ऐसे में वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो का निर्माण घरों की पूरी विश्लेषण और पंचांग की गणना करने के बाद विशेष तौर पर आप सभी के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, इन्हें अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम लिख दें। भगवान श्री राम का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, जीवन काल की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, सच्चे मन से जरूर लिखिएगा। तो आए दोस्तों, बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असली सुंदरता, जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वही शरीर सुंदर क्यों नहीं लगता, उसे घर में न रख कर जला क्यों दिया जाता है। जिस शरीर को सुंदर मानते हैं, जरा उसकी चमड़ी तो उतार कर देखो, तब हकीकत दिखेगी कि भीतर क्या है। भीतर तो बस रक्त, रोग, मल और कचरा भरा पड़ा है, फिर यह शरीर सुंदर कैसे हुआ। शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही मनुष्य दुनिया में सबसे सुंदर इंसान है, और जमाना भी उसी का दीवाना होता है। जी दोस्तों, तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह बात अगर आपको सच्ची लगी हो, समझ में आई हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही कर दें और कमेंट बॉक्स में इनके लिए लिख दें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए दोस्तों, सके साथ बात करते हैं कि आने वाले दो दिनों के अंदर आप शिव के जीवन काल में या ग्रहों की बदलती चाल आपके प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से बड़े बदलाव करने वाले हैं। दोस्तों, यह समय भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं क्रियान्वित होंगी। ईश्वर के आशीर्वाद से आप उपलब्धियों को यह समय हासिल करेंगे। दोस्तों, अभी किया हुआ जो भी परिश्रम है आपके लिए आगे चलकर आपके लिए लाभदायक साबित होगा।
दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए समय यश में बहुत ही अच्छा समय होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में दोपहर के बाद अचानक से कुछ खर्चे आपके सामने आएंगे जिनकी वजह से थोड़ा सा चिंता रह सकता है। दोस्तों अपनी वाणी पर यश में आप संयम रखें क्योंकि इस वजह से कुछ रिश्तों में दरार आ सकती है। दोस्तों किसी प्रकार की यात्रा यश में आपके लिए तकलीफदायक साबित होगा तो दोस्तों यात्राओं से यश में सावधान रहें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर निर्णय लेने की कोशिश करें। परिवार के प्रति अधिक भावुक होकर आप किसी भी निर्णय में बदलाव ला सकते हैं जिसका फायदा आपको तुरंत नजर आएगा। लेकिन दोस्तों दूरदृष्टि से देखा जाए तो इस निर्णय से जुड़े नुकसान को भी आप देख पाएंगे जो कि फायदे से अधिक होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपके दिनचर्या के लिए समय होंगे। दोस्तों आप जो है कुछ नया सीखने के लिए यश में उत्सुक रहेंगे। किसी खास व्यक्ति से मेलजोल बढ़ेगा। घर की मरम्मत व फिर सुधार संबंधी योजनाएं भी बनेंगी। जीवन के प्रति आपका सकारात्मक रवैया आपको जो है व्यक्तित्व में निखार लाएगा तथा दोस्तों आप अपने जिम्मेदारियों को भी यश में बखूबी निभाने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में पैतृक संपत्ति या फिर किसी बंटवारे संबंधी बात की वजह से भाइयों से अनबन हो सकती है। आलस को अपने ऊपर यश में हावी न होने दें। मन में तरह तरह की आशंकाएं बनेंगी। दोस्तों बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति से जो है यश में सलाह लें और दिक्कतों को शेयर करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे परिस्थिति आपके पक्ष में होंगी। जिन बातों का निर्णय आप अभी तक नहीं ले पा रहे थे दोस्तों उन बातों के बारे में आपको जो है क्लैरिटी नजर आएगी जिसकी वजह से उचित निर्णय लेना आपके लिए यश में आसान होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे भाग्य का सितारा जो है प्रबल होकर रुके हुए कार्यों में गति प्रदान करेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का जो है पथ प्रदर्शक के रूप में आपको सहयोग करेंगे। दोस्तों किसी जोखिमपूर्ण कार्य में आपकी रुचि यश में बढ़ेगी। दोस्तों यह समय प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन दोस्तों यह समय किसी बात को लेकर थोड़ा सा आप मायूस भी हो सकते हैं। अपने लक्ष्य से न भटकें तथा मन को वश में रखें। दोस्तों झूठे दोस्तों से यश में आप दूरी बनाकर रखें ये आपके लिए उचित होगा। वाहन तथा मशीनरी से संबंधित सामान का सावधानी से इस्तेमाल करें ये आपके लिए यश में बेहतर होंगे। इसको प्रांत दोस्तों यह समय अधिकतर काम आपकी मर्जी के अनुसार और वक्त से पहले होने की वजह से जो है सीमन पर बना तनाव भी कम होगा। दोस्तों काम करने का जो आसान तरीका भी आपको यश में प्राप्त होगा। सुख समाधान प्राप्त होने की वजह से जीवन के प्रति आपका यश में उत्साह बढ़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में कार्यस्थल या फिर व्यवस्था को जो है कोई नया लुक देने के लिए आप विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। अचानक लाभ की प्राप्ति होगी जिससे आर्थिक स्थिति यश में बेहतर होगी। वही दोस्तों यश में आप किसी भी काम को मजबूरी वश ना करें अन्यथा आप पर यश में तनाव हावी हो सकता है। दोस्तों आपकी कोई प्रिय वस्तु चोरी या फिर गुम हो सकती है। भाइयों से यश में मनमुटाव की स्थिति भी रह सकती है। दोस्तों घर में चल रहा विवाद किसी पारिवारिक सदस्य की मध्यस्थता से हल भी हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए आपके करियर के लिए जो समय होंगे व्यवसाय में कुछ ठोस व फिर महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। दोस्तों आप में आत्मविश्वास यश में बढ़ेगा तथा अपने कार्यों को भी अच्छी तरह से अंजाम देने में आप यश में सक्षम रहेंगे। दोस्तों व्यवसाय में निवेश करने के लिए समय जो है बहुत उत्तम समय होगा। नौकरी पेशा लोगों को कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी भी यश में अपने बॉस से मिल सकती है। दोस्तों व्यवसाय के लिए सफलतादायक समय होगा। आप कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करेंगे और सफलता भी हासिल करेंगे। दोस्तों अधिकारी वर्ग से संबंध यश में मधुर रहेंगे। नौकरी में किसी भी तरह का बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे दोस्तों जीवन साथी तथा परिवार का यश में भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आपको हर क्षेत्र में यश में लाभ मिलेगा। दोस्तों जिससे आपका आत्मबल भी यश में बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी यश में सफलता के योग बने हुए हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आंखों में पीड़ा महसूस हो सकती है तथा कोई पुराना शारीरिक रोग भी पुनः उठने से आपके मन में थोड़ा सा चिंता भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों स्वास्थ्य के प्रति यश में सतर्क रहें। इसके उपरांत दोस्तों यश में जो है अकारण ही तनाव की वजह से सिर दर्द या फिर माइग्रेन जैसी स्थिति भी रहेगी। इसलिए दोस्तों यश में मेडिटेशन और ध्यान में समय व्यतीत करें। बेहतर होगा कि किसी आध्यात्मिक स्थल पर भी आप यश में जाएं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके सेहत के लिए जो समय होंगे दोस्तों शारीरिक रूप से आप तंदुरुस्त रहेंगे। योगा तथा व्यायाम आदि पर ध्यान रखना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे दोस्तों वात पित्त संबंधी परेशानियां रहेंगी। इसके उपरांत दोस्तों परंतु इसका ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं होगा।
फिर भी अष्टमी श्राद्ध के सुरक्षा संबंधी नियमों का आपको पालन करना अति आवश्यक होगा। तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य का इसमें ख्याल जरूर रखें।